सिंध हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच कराची इसरा यूनिवर्सिटी के अगूने वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अशरफ लिगारे की अपील रद्द कर छी है। सिंध हाई कोर्ट के डबल बेंच नए हुक्म में यो जानायो है त 15 अगस्त ते सिंध हाई कोर्ट के सिंगल बेंच पारा दिनल फैसलो बरकरार रखो वे तो जैमें उन सिंगल बेंच जो फैसलो दिनों तो डॉक्टर नजीर अशरफ लिगारी जो मुद्दो 23 जून से खत्म थी चुको है जैसे कर वाइस चांसलर न रो है उनके कम कर दिनों वे जैसे खिलाफ डॉक्टर नजीर अशरफ लिगारी सिंध हाई कोर्ट में अपील दाखिल कई हुई जैसे सिंध हाई कोर्ट उनके रद्द कर छो है। सिंध हाई कोर्ट के डबल बेंच हुक्मनामे में जारी किया है तो जैसी ताई इसरा यूनिवर्सिटी के एक्ट तहत नव वाइस चांसलर मुकर्र वे तैसी ताई यूनिवर्सिटी जो चांसलर डॉक्टर गुलाम कादर काजी यूनिवर्सिटी जा मामला हलो चईन महीन के अंदर चांसलर के हिदायत कई वही है तो नए वाइस चांसलर के मुकर्र के हवाले से इंतजाम करें जैसे तो इन हवाले से जो फैसलो अचण का इसरा यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर गुलाम कादर काजी हैदराबाद की पुलिस और जिले इंतजामिया के दरख्वास्त दिनी है त इसरा यूनिवर्सिटी ते डॉक्टर नजीर अशरफ लिगारी जो गैर कानूनी कब्जो है उनके हटाए वे उत खानगी मू हथियारबंद विहारा वह उनके हटाए असा सिंध हाई कोर्ट के फैसले से अमल दरामद कर असा कब्जो दियारो वे।